हिमाचल की राजनीति में हो रही उथल पुथल पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने चुनावी मौसम की बात करार दिया है और बहुत से प्रदेशों में एक दूसरे की पार्टी में नेता जा रहे हैं। वहीं धूमल ने मंडी में सुखराम के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सुखराम ने कहा कि पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला। धूमल ने कहा कि पार्टी ने हर व्यक्ति को पद व सम्मान दिया है। बिलासपुर से सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने की चर्चा पर धूमल ने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि सबकी संतुष्टि हो और दोबारा से प्रदेश की चारों सीटें बीजेपी की झोली में जाएं। धूमल ने कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, लेकिन पद सीमित होने के चलते हर किसी को पद नहीं दिए जा सकते। धूमल ने कहा कि रुष्ट नेताओं की संतुष्टि के लिए बीजेपी प्रयास करेगी। मौसम में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लोग दल बदलते रहते हैं, ये सामान्य बात है। बहुत सारे प्रदेशों में लोग एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व ने जो उचित समझा होगा किया होगा। मैं नहीं मानता किसी को कम सम्मान मिला हो। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान होता है, लेकिन पद हर किसी को नहीं दिए जा सकते। पद सीमित होते हैं तो उतने जितने पद सीमित हो सकते हैं दिए जाते हैं, देते रहे हैं। प्रयास करेंगे कि सबकी संतुष्टि हो, सबको मान सम्मान मिले, सब एक साथ आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा के कांग्रेस में आने पर खुशी जाहिर की और कहा कि दोनों नेताओं के कांग्रेस में आने के और कहा कि दोनों नेताओं के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने दोनों नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने का पार्टी आलाकमान के निर्णय का स्वागत किया है। पार्टी आलाकमान का निर्णय है, राहुल गांधी जी का निर्णय है, पंडित सुखराम जी को और उनके पोते आश्रय जी को कांग्रेस पार्टी में वापस लिया है। मैं समझता हूँ इस फैसले से कांग्रेस पार्टी मंडी क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र जो उसमें मजबूत होगी।